एक शेर के साथ शुरुआत करता हूँ कि आँखों से जो दिल में उतर जाते हैं वो रिश्ते कभी कच्चे नहीं होते। आँखों से जो दिल में उतर जाते हैं वो रिश्ते कभी कच्चे नहीं होते। एक बात बताऊँ मेरे दोस्त, खूबसूरत दिखने वाले लोग दिल के अच्छे नहीं होते। अब चूंकि मेरी सब मुझसे छोटे ही हैं, तो उस दौरान के जो एक्टर्स थे, बड़ा एक डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती थी। शत्रुघ्न सिन्हा और अजीत, तो मैं गलत फहमी हुई है प्रभाकर, मैं भला देश द्रोही ग्रोह का कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूँ। हर चीज के दुश्मन है आप, इस बात का अंदाजा मुझे जब हुआ जब तुमने रघु को मरवा दिया। लेकिन एक रघु के मर जाने से ये मत सोचना सारी गवाहियां जाती रही, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा तब आपसे बात करूंगा, गुड बाय। बड़ी बड़ी बातें करना तो मुझे भी बहुत आता है डीएसपी साहब, लेकिन तुम नहीं जानते, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और जैसे लॉयन की जंगल में हैसियत होती है वही शहर में हमारी है। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको लॉयन के नाम से लोग जानते सेठ दीन दयाल, लेकिन ये मत भूलिए कि जब शेर आदमखोर होता है तो उसका शिकार किया जाता है, और अब की बार शिकारी का नाम है विक्की। एक अपने सदाशिव अमरापुर के रहते थे, हम हरियाणवी में काला नाग क्या करते उसने, हाहा अब आएगा खेल का असली मजा, अब होगा हैवानियत का असली खेल। अरे ओ अर्जुन ठाकुर, आ जाना पुरानी हवेली पे, ये रहे तेरी माँ के हाथ साली टोंटी, तेरी कायरता और बुजदिले अगर तुझे आने ना दे तो इस तलवार से अपना सर कलम कर लेना। हम सोचेंगे वायात खिलौने के साथ हमने वक्त बर्बाद किया। धर्मेंद्र पहुंच जाए, काले नाग कुत्ते, एक बाप की औलाद है तो सामने आ, देख मैं जंग का ऐलान करता हूं, ऐलान जंग करता हूं काले नाग। घायल मूवी थी, सन्नी देओल बड़ी आराम से बोलते हैं और उसके बाद वो तेज़ बोलना शुरू करते हैं, तो एक धीमी आवाज़ में उनके डायलॉग्स थे, बलवंत राय बाद में बात करते हैं, अमरीश पुरी का है, मैं तुम्हारी हैसियत पहचान चुका हूँ बलवंत राय। देखो अजय, तुम हमें जानते नहीं हो, ये गिदड़ धमकी किसी और को देना बलवंत राय, मेरे भाई का कुछ हो गया तो तेरा वह असर करूँगा, तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा, और ये कुत्ते जिनकर देखकर तूने भौंकना शुरू किया है तेरे आसपास भी नहीं मिलेंगे। चार पांच आ जाए अमरीश पुरी पहला बोल लगो ने, ओए हनीफ को बुलाओ, सारे आ जाना। देखो अजय, तुम हमारे बारे में जानते नहीं हो। तो ये अदा थी अमरीश पुरी।